नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम संत भीखादास मंदिर आ चुके हैं और यहाँ के दर्शन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको कराते हैं पूरा दर्शन। तो अब हम एक और नए मंदिर में आ चुके हैं जिसका नाम है संत भीखादास मंदिर। तो अब आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। और बहुत ही शांति जगह है, ठंडी ठंडी हवा, बहुत अलग वाइब है मंदिर की। मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। तो अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। शिव पार्वती जी, गणेश भगवान जी, पिनाकी जी, श्री अन्नपूर्णा शिव जी, तो यहाँ पर पूरा शिव परिवार है। श्री कार्तिकेय जी, श्री विश्वपान करते शिव जी। अब हम धीरे धीरे यहाँ की खूबसूरत सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलेंगे भोलेनाथ को प्रणाम करके। तो ये रहे श्री घृणेश्वर महादेव जी, श्री पंचवक्त्र महादेव जी, आप दर्शन कर लीजिए। महादेव सबकी मनोकामना पूरी करें, मैं यही प्रे करती हूँ। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं ऊपर क्या है। आई डोंट थिंक कि ऊपर कोई मंदिर होगा, बट यहाँ पे भी मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है। श्री अर्धनारीश्वर शिव जी के सारे स्वरूप यहाँ पे दे दिए गए हैं। श्री आप दर्शन करते रहिए। श्री बद्रीनाथ जी, अब यहाँ पर सीढ़ियाँ और ऊपर की तरफ जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है फ्रेंड्स। श्री अमरनाथ जी, माय गॉड, मंदिर की खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। तो अभी हम और नीचे की तरफ चलेंगे। ये देखिए शिव परिवार, जय भोलेनाथ। श्री मल्लिका अर्जुन महादेव, आप देख सकते हैं भोलेनाथ का हिंदुस्तान में जितना भी तीर्थ है वो सब कुछ यहाँ पर बना दिया गया है, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो अब नीचे जाने का रास्ता, तो हम जा रहे हैं नीचे। अब हम आ चुके हैं श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग छोटी छोटी बनी है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से त्र्यंबकेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग है, दर्शन कर लीजिए। अब हम आ गए हैं श्री ओंकारेश्वर महादेव, तो आप ये देखिए इस मंदिर में दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कीजिए महादेव जी को। महादेव सबकी मनोकामना पूरी करें, सबकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं यही प्रे करूंगी इस वीडियो के थ्रू कि सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म करें। अब चलते हैं दूसरे मंदिर में। ये है श्री महाकालेश्वर मंदिर, आप देख सकते हैं। और महाकाल हूँ और माँ काली ना हो तो ऐसा असंभव है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा कि महाकाल और महाकाली एक साथ हैं। प्रणाम, आप ही प्रणाम कीजिए और मैं यही प्रे करती हूँ कि सारी प्रॉब्लम सबकी लाइफ से ख़त्म हो जाए। अब आते हैं हम श्री बैद्यनाथ महादेव का दर्शन करने, तो आप भी कर लीजिए। अब हम दर्शन करेंगे श्री नागेश्वर महादेव का, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। अब और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, श्री केदारनाथ महादेव शिव पार्वती विवाह श्री महामृत्युंजय, तो दर्शन करते हैं। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हर हर महादेव लिखना नहीं भूलना है। अब हम चलते हैं और आगे दर्शन करने। और ये रहे हमारे प्यारे श्री सोमनाथ महादेव मंदिर, तो प्रणाम भोले बाबा जी, सबकी मनोकामना पूरी कीजिए। श्री शिव पार्वती जी, इस तरीके से यहाँ पे मंदिर में शिव जी
कि जितने भी इंडिया में मंदिर हैं वो सारे छोटे छोटे बना दिए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर लगा। फ्रेंड्स, मेरा एक सपना है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूं, तो अभी मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है, बट आगे भी मैं केदारनाथ, सोमनाथ, अभी मेरे 2 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, बट अभी मैंने वीडियो तो सिर्फ एक ही की बनाई है, पशुपतिनाथ की, बट बहुत जल्द मैं सभी जितने भी ज्योतिर्लिंग जाऊँगी तो वहाँ की वीडियो बनाऊँगी। काशी विश्वनाथ गई थी बट उस टाइम मैं भूल गई थी, बट आई एम सॉरी। तो अभी हम मंदिर के बाहर निकल रहे हैं और आगे भी आपको दिखाती हूँ इस मंदिर की पूरी खूबसूरती। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन ये है इस चैनल के थ्रू कि मैं हर छोटा बड़ा मंदिर कवर करूँ और उसके दर्शन खुद भी करूँ, आपको भी कराऊँ। दूसरी सबसे खूबसूरत चीज़, बहुत बड़ी विशाल बजरंगबली जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बजरंगबली जी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इस मंदिर में आने के बाद। सबसे बड़ी चीज़ है इस मंदिर की पॉजिटिव वाइब, ठंडी ठंडी हवाओं में खुशबू, कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है, अंदर का आप देखिए। अभी यहाँ पर योगी जी और भी ज़्यादा साफ सफाई और डेकोरेशन करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा है बट जितना भी है बहुत खूबसूरत है। बीच में बड़ा सा हवन कुंड। सीरियसली, यहाँ की आने के बाद ना जो पॉजिटिविटी मिल रही है अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भी चाहती हूँ कि आप मंदिर ज़रूर जाइए महीने में एक बार। तो ये रहे श्री बालाजी पंचमुखी हनुमान बजरंग बली, ये रही माँ गौरी, सबके छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंदिर हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये वरुण देव, श्री साई बाबा, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, सबका मंदिर है। मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि जितने भी देवी देवता हैं उन सबका मंदिर यहाँ पर बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है। यहाँ का डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है। फ्रेंड्स, ये मंदिर अयोध्या में है, बहुत ही खूबसूरत है। सीरियसली, मैं योगी आदित्यनाथ जी, सीरियसली मैं मानिए योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, जो अयोध्या का डेवलपमेंट किए और मंदिर को सुधारे, सभी मंदिर का सुंदरीकरण करा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। आप देख सकते हैं जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर, वायुदेव का मंदिर, माँ गायत्री का मंदिर, और ये है शिव दरबार, भोलेनाथ की जय। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मंदिर कैसा लगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। ये श्री राधे कृष्णा जी का मंदिर, श्री भद्रकाली दुर्गा माता वैष्णो माता का मंदिर, ये श्री सूर्यदेव का मंदिर, श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी का मंदिर, श्री ब्रह्मा जी का मंदिर, एक साथ कितने सारे देवताओं का मंदिर का दर्शन हम सब कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर की खूबसूरती। देवराज इंद्र जी का मंदिर, श्री विष्णु भगवान, 12 भगवान जी का मंदिर, राहु, शनि देव, केतु का मंदिर, संत तुलसीदास बाबा, अंजाना महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, और ये है यमराज जी का मंदिर। और ये मंदिर पूज्य संत भीकादास जी का है, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया। आप देख सकते हैं इनके मंदिर, इनके दर्शन कीजिए। अब हम और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसके साथ साथ बातें भी करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा हिंदू धर्म कितना खूबसूरत है। ये कलिक भगवान जी, आप दर्शन कर लीजिए। अब हम और आगे चलते हैं, बुद्धि भगवान का, देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर है। यहाँ आना हमारा भाग्य ही था। कृष्ण भगवान जी, बलराम भगवान जी, प्रभु श्री राम जी,
परशुराम भगवान जी, वमन भगवान जी, नरसिंह भगवान जी, मोहिनी देवी, कूर्म भगवान जी, कपिल मुनि भगवान, नारद भगवान, बारह भगवान, ये सामने भगवान जी की मूर्ति, शैलपुत्री आदिशक्ति दुर्गा, चंद्रघंटा ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता कुष्ठमांडा, कालरात्रि कात्यायनी, 5 मिनट, सिद्धदात्री महागौरी। तो जैसा कि हम यहाँ पे आए संत भीखादास मंदिर के पास, बहुत ही रम्य वातावरण, आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी देवी देवता होंगे जो हम आज तक जानते होंगे उनके मंदिर यहाँ पे ना हो, बड़े से ही, बड़े ना सही तो छोटे छोटे सारे देवी देवताओं के मंदिर, और ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग को एक मंदिर में समेटने की कोशिश, बहुत ही अद्भुत। यहाँ पे श्री नक्षीत तिवारी, महंत योगी राज, योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा सराहनीय प्रयास, और देखा कितनी साफ सफाई मंदिर परिसर के अंदर कि एकदम से लगता है कि जैसे आप यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि हम एकदम दुनिया से अलग, एकदम जो फीलिंग आती है कि एकदम शांत, मन को शांति। इस तरीके से हमने वेदों पुराणों में जितने भी देवी देवताओं का वर्णन किया वो सारे मंदिर यहाँ पर हैं, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। आप देख रहे हैं कितनी ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है, हम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अब चलने का टाइम हो गया है, तो हर हर महादेव, बाय, टेक केयर।